व्यक्ति इस साधना को कुछ सिद्ध करना चाहे तो सिद्ध करने में तीन बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। एक तो उसके गले में रुद्राक्ष को माला होनी बहुत जरूरी है। यदि आपको कभी संभव हो तो रुद्राक्ष बहुत महंगा होता नहीं, 108 पंच की रुद्राक्ष की माला ले लेनी चाहिए और उसको पूरे शरीर पर धारण कर लेना चाहिए। वो शरीर पर धारण करने में पांच स्थान होते हैं, सिर पर, गले में, दोनों भुजाओं में और कमर में। बस पांच स्थानों को शुद्ध करने से या इस प्रकार पूरी 101 रुद्राक्ष बड़े बड़े मनुष्य छोटे मन से या 1001 मनुष्यों से भी मालाएं बना सकते हैं, उनके धारण करते हैं। उससे शरीर पूर्ण प्रबद्ध हो जाता है इस साधना के लिए। अन्यथा ऐसा नहीं हो तो आप एक छोटी सी माला, कोई भी रुद्राक्ष की माला गले में पहने और सामने भगवान शिव का मृतिका से या अन्य किसी भी पदार्थ से शिवलिंग बना लें। फिर इसे मंत्र सिद्ध कर लें, संजीवनी क्रिया कर लें। फिर मैं आपको एक मंत्र लिखा रहा हूं, साबर मंत्र। ये तो विवेकरण की बात, आपका ऊपर कुछ पहना, नाभी से ऊपर कुछ वस्त्र पहनना नहीं चाहिए, नाभी से नीचे धोती पहनी हुई होनी चाहिए। महिलाएं पूरे वस्त्र पहन सकती मगर वे शुद्ध हों और स्वस्थ हों। यह सावर मंत्र शिव सिद्ध करने का मंत्र है, शिव को सिद्ध कर शिव के प्रत्यक्ष पर फल प्राप्ति की साधना है। शिव हमारे सामने प्रकट हों और हम जो इच्छा करें वह फल मिल जाए। ओम, ये रावण का सावर मंत्र है। जबकि मैंने आपको बताया था कि ये सब गोरखनाथ से प्रणीत हुए हैं, मगर साबर मंत्रों की सृष्टि गोरखनाथ से प्रणीत नहीं हुई है। अत्यंत प्राचीन है मगर उसका प्रचलन गोरखनाथ ने अत्यधिक कर दिया। पहले अगर 1% था तो गोरखनाथ ने उसको 100% कर दिया, इसलिए गोरखनाथ से प्रणीत माना गया। ये रावण का साबर मंत्र है और रावण के ससुर थे अनंतपाल, उनकी स्मृति हुई, इसलिए अनंत पाल को साक्षी करके अब मंत्र बोल रहा हूं, उनको समझाया। ओम नमो आदेश वीर वैताग हंकार कंकार गौप बिंदी कंकार स्वप्रबिंदी शंकार शंकार हंकार धूर जटा विकटा घोरा घोरा पातालिक भैरव बैताल दुर्भर दुर्मुख ग्यारह हो गए होंगे। एकादश एकादश रुद्राय आवे नृत्य करे
आकाश चीरे पक्षी समाये बस दिशा बोले महाकाल शिव प्रकट थाय महाकाल शिव प्रकट थाय वर दे सिद्ध करे गुण करे न करे तो मां पार्वती की दुहाई अनन्नपाल बाचा अनन्नपाल बाचा सिद्ध पुरो मंत्र पुरो साचा थम थम द्वार यह एक साथ भगवान शिव और एकादशी रुद्र संबंधित साधन साधना है और उसमें भगवान शिव स्वयं प्रकट होकर के साहित्य प्रदान करती है एक और प्रत्यक्ष दर्शन देने की साधना दो और अदृष्ट दृष्ट साधना तीन तीनों साधना की सुना यह 11 दिन की साधना है और नित्य 51 मालाएं पूरी है रुद्राक्ष के माध्यम से तभी ये मंत्र सिद्ध हो जाता है और जो मैंने बताया है वो सिद्ध होता है। इक्यावन मालाएं 11 दिन इसमें अगरबत्ती दीपक लगाने की जरूरत नहीं होती और अन्य किसी विधि विधान की जरूरत नहीं होती।